ऑस्ट्रेलिया से लगातार दो हार के बाद बेन स्टोक्स ने बनाई ऐसी प्लेइंग 11। इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे मैदान में, ऑस्ट्रेलिया को चटाएंगे धूल। इंग्लैंड के 11 धुरंधर रोकेंगे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की ऐसे टेस्ट सीरीज में आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे है। दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंगले मैदान पर शुरू होगा। इंग्लैंड ने हेडिंगले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। इंग्लैंड ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की छुट्टी हो गई है, वे शुरुआती 2 मैचों में कोई प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। एंडरसन के अलावा युवा पेसर जोश टंक का भी पत्ता कटा है, जो लॉर्ड्स में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। यह उनके टेस्ट करियर का मैच 2रा मैच था। उपकप्तान और थाकड़ बल्लेबाज ओली पॉप को चोट के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा। उनका लॉर्ड्स में फील्डिंग के दौरान कंधा चोटिल हो गया था, पॉप की सर्जरी होनी है। इंग्लैंड ने एंडरसन, जोश टंक और ओली पॉप के स्थान पर तेज तर्रार मार्क वुड, ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स और मोइन अली को शामिल किया है। वुड और वॉक्स मौजूदा सीरीज में पहला मैच खेलेंगे, जबकि मोइन अली को पहले टेस्ट में इंजरी की वजह से बाहर बैठना पड़ा था, अब वह फिट हो गए हैं। पॉप के बाहर होने के चलते हैरी ब्रूक का प्रमोशन हुआ है। ब्रूक अब तीसरे नंबर पर उतरेंगे, वह इससे पहले 5वें नंबर पर आते थे। संभावना जताई जा रही है कि स्क्वाड में मौजूद अतिरिक्त बल्लेबाज डैन लॉरेंट को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन इंग्लैंड ने ब्रूक के साथ जाने का फैसला किया। ब्रूक ने एजबेस्टन में 32 और 46 रन की पारी खेली थी, जबकि लॉर्ड्स ने 50 और 4 रन बनाए। 24 वर्षीय ब्रूक ने पिछले साल सितंबर में टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने अब तक कुल टेस्ट खेले हैं। बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार के बाद इंग्लैंड के लिए लॉर्ड्स में भी राहत नहीं दिखी। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। अब एक मैच और हारने पर इंग्लैंड यह सीरीज भी गंवा बैठेगा। पिछले मैच में इंग्लैंड की बैटिंग बेहद खराब रही। पहली पारी में कम रन आने के कारण इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरी पारी में बेन स्टोक्स के बल्ले से शानदार 155 रनों की पारी देखने को मिली थी। तो ऐसी होगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करेंगे। हैली ब्रुक, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभालेंगे। बेन स्टोक्स कप्तान है और 7वें नंबर पर आएंगे। इसके बाद मोइन अली बल्लेबाजी के लिए आएंगे। मोइन अली ऑलराउंडर है। मोइन अली अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में क्रिस वॉक्स, ओली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड और मार्क वुड को मौका मिला है। तो अब देखना होगा कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड कैसा खेल दिखाता है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।